जय माता दी बंधुओं, सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मेष राशि के राशिफल के बारे में। दिनांक 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर के लिए। वीडियो पूरा देखें और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। आज आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारे बहन का एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम जलपरी है। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इन दिनों चंद्रमा का आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर होगा। इसके साथ ही इन दिनों मंगल का गोचर भी आपके षष्ठम भाव में होगा और साथ ही बुध देव भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में चंद्र का गोचर तृतीय भाव में होने से आपको हर कार्य में अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस दौरान कार्यों में रुकावट आ सकती है। आपके आलस में भी वृद्धि होगी, यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिस दौरान समस्याएँ आ सकती हैं। आपके मान सम्मान में कमी देखी जा सकती है। हालांकि चंद्र का गोचर चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सुकून की अनुभूति होगी और आपके मातृ प्रेम में भी वृद्धि होगी, जिससे आप घर में अधिक समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र के लिए समय बेहद अनुकूल है। चंद्र का गोचर पंचम भाव में होने से आपका अपने संतान पक्ष के प्रति स्नेह बढ़ेगा। इस वक्त आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे, वहीं कार्यस्थल पर मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय आपके मन में कुछ नया करने का विचार प्रभावी रहेगा। अंत में चंद्र का गोचर षष्ठम भाव में होने से आपके निजी जीवन में कर्ज को लेकर खींचातान साफ दिखने को मिलेगी। इस वक्त खुद को व्यर्थ के हर विवाद से दूर रखें, साथ ही जितना हो सके अपने सभी प्रकार के खर्चों पर अंकुश लगाकर रखें। सबसे बेहतर ये होगा कि व्यर्थ की यात्राओं पर जाने से परहेज करें और केवल कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत पर ही जोर दें। इसके साथ ही इन दिनों के मध्य में मंगल का गोचर षष्ठम भाव में होने से आप अपने शत्रुओं को पराजय कर पाने में सफल होंगे, जिससे नौकरी में उन्नति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के लिए समय बहुत उत्तम है, लेकिन बावजूद इसके अपने खान पान पर ध्यान दें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। प्रयास करते रहें, तभी सफलता आपको हाथ लगेगी, अन्यथा मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसके अलावा बुध देव का गोचर सप्तम भाव में होने से आपके दाम्पत्य जीवन में अति शुभ्रता आएगी। व्यापार में भी उन्नति एवं वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए अपने जरूरी प्रयास जारी रखें। किसी भी तरह के लोन लेने के कार्य में सतर्कता बरतने से सफलता मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय माता दी।